राधे राधे, ऋषिकेश में आपका स्वागत है। आज मैं लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत ड्रेस लेकर आई हूँ। तो ये हमारे जो मोस्ट ब्यूटीफुल कलर है, देखिए इस तरह की यहाँ पर रेड एंड व्हाइट। और देखिए, आप सोच रहे हैं कि रेड वूल तो मैंने इस तरह से ली है दो प्लाई वाली, और ये जो मैंने व्हाइट वूल ली है ये हमारी थ्री प्लाई वाली। थ्री प्लाई वाली से बेस बहुत सुंदर बनेगा, और इसकी जो वूल होती है इसमें शाइनिंग होती है, प्लस इसमें बनाने बहुत अच्छा लगता है। तो ये कम्फर्टेबल होती है और ये यहाँ पे कान्हा जी को छुपेगी भी नहीं। तो हम इस वूल से अपना पेस्ट बनाएंगे, और व्हाइट का हम यहाँ पर अपने डिजाइन देंगे, तो रेड का तो वो हम बाद में बनाएंगे। तो बस मुझे यहाँ पर यही सामान चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपल यहाँ वूल चाहिए। और मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर इस तरह फिंगर में करें, और ये न्यू जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी ये ड्रेस है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह से एक क्रोशे हुक को लेंगे, पकड़ेंगे, और यहाँ से लेते हुए एक यहाँ पर इस तरह से करते हुए, अभी देखिए अभी लॉक पूरा पक्का नहीं लगा क्योंकि ये हिल रहा है। अभी देखिए यहाँ पर हम एक और बनाएंगे ताकि आपको लगे कि ये लॉक पक्का हो गया। अब देखिए इस तरह से लॉक पक्का हो गया, अब यहाँ पर ये हमारा नहीं खुलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। मैंने यहाँ 17 चैन ली है, 17 चैन मैंने यहाँ 4 थ्रू आप 5 नंबर के कान्हा जी को इजीली बना सकते हैं, ठीक है। 17 चैन हो गई, और प्लस 1, 2, 3। अब देखिए 3 के से पहले हमने जहाँ फोर्थ वाले में थे उसमें इसमें जाएंगे, हुक पर एक धागा चढ़ाएंगे, और यहाँ पर अपना एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फोर्थ वाले में ध्यान रखना है क्योंकि ये हमारा डबल क्रोशिया है। अगर हम यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाते हैं तो हमारे यहाँ पर 2 की चैन लेते हैं, अभी हमने डबल क्रोशिया बनाया है तो यहाँ पर हम 3 की चैन लेंगे। ये न्यू बिगनर्स के हिसाब से भी मैं बिल्कुल सही से बता रही हूँ। तो इस तरह से करते हुए यहाँ पर अपना डबल क्रोशिया करते हुए 17 तो हमारी नीचे चैन हो गई, और 18 हमारा प्लस ये हो गया, तो हमारे यहाँ पर 18 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। इसे हमने यहाँ पर देखिए इसमें हुक में डाला, इसमें चैन में डाला, और यहाँ से निकाला 2 का 1, 2 का 1। देखिए फिर देखिए यहाँ पर हुक में हमारे पास एक फंदा है, यहाँ पर एक फंदा लिया हमने, 2 फंदे हो गए, यहाँ इसमें डाला और एक फंदा यहाँ से, जब हम चैन में डालते हैं ना उसके बाद हम एक फंदा फिर से उठाते हैं, ठीक है। यहाँ 3 फंदे हो गए हमारे पास। अब देखिए इस वक्त फिर से फंदा लेते हुए 2 का 1, फिर फंदा लेंगे 2 का 1। इस तरह करते हुए हम अपना डबल क्रोशिया बनाते हैं। तो इस तरह से करते हुए हम अपना डबल क्रोशिया बना लेंगे और इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस राउंड को मैं भी कंप्लीट करती हूँ, आप भी कंप्लीट कीजिए। पर हमारा जो एक राउंड है वो कंप्लीट हो चुके, और आप इसमें काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे 18 डबल क्रोशिया आएंगे। ये इस तरह से यहाँ पर हम जाएंगे 1, 2, 3, नेक्स्ट चैन लेंगे और इसको हम यहाँ पर टर्न कर लेंगे वापस, और अब यहाँ पर इसको फर्स्ट वाले में ही जाइए क्योंकि इसमें हमारी जो नेक्स्ट राउंड है उसमें हमें हर किसी में बढ़ाना है। तो जैसे हमने यहाँ पर ये 18 थे तो यहाँ पर 36 हो जाएंगे क्योंकि हमें हर किसी में बढ़ाना है। तो 1, 2 हो गई, 1, 3 की चैन हमारी हो गई, और यहाँ पर 1 क्रोशिया हो गए। इस तरह से करते हुए यहाँ पर भी हम अपना डबल क्रोशिया करते हुए हर एक चैन में 2-2 बार अपना डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को सिंपली कंप्लीट कर लेंगे। 2-2 डबल क्रोशिया हर एक राउंड में बनाने हैं आप इस तरह से लेते हुए, बस 2-2 डबल क्रोशिया बनाते रहिए, और इस तरह आप इस राउंड को भी कंप्लीट कीजिए। ये चोली से स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स, मैं इसलिए पूरा बता रही हूँ कि कई बिगिनर कहते हैं कि हमें चोली से बताइए, तो मैं इसको पूरा आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कहें कि पूरा ही ड्रेस ये है। वीडियो लंबी हो जाती है पर ये कि आप ये तो आप 4-5 नंबर को भी आप इजिली बना सकते हैं, अदरवाइज 4 नंबर को तो बहुत ईजी आएगा, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे 34 हो चुके हैं, और हम लास्ट वाले में यहाँ पर, क्योंकि ये इस तरह से हो जाता है कि 3 का 1 बनता है, तो यहाँ पर हमारा एक ही चैन बन पाता है डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर हमारे 35 हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 31 कम होता है, 36 नहीं होते, ठीक है, क्योंकि हमारे 3 की चैन का होता है, ठीक है। अब वही हमें यहाँ पर वापस फिर से करना है, 3 की चैन बनाएंगे फिर से, फिर हम फर्स्ट वाले में फिर से लेंगे यहाँ पर ही 2-2, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट वाले में 1 करेंगे, और फिर नेक्स्ट वाले में फिर 1, और फिर नेक्स्ट वाले में फिर 1। एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर हमें जो चेस्ट का साइज होता है थोड़ा सा हमारा बढ़ता रहता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट में 2 करें, और 3 हमने सिंपल एक एक डबल क्रोशिया कर लिया। अब हम यहाँ पर फोर्थ वाले में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे अपना, क्योंकि ये हमारा थर्ड राउंड है, और थर्ड राउंड हमें ऐसे ही करना कंप्लीट करना है। 3 सिंपल 1-1 डबल क्रोशिया, और
फोर्थ वाले में दो डबल क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से ये हमें शेप को बड़ा करना है और इसी तरह से ये हमें बनाना है। तो हमारा थर्ड राउंड वन वन, देखिए आप देखिए वन वन वन, और यहाँ पर नेक्स्ट वाले में फोर्थ वाले में दो बार डबल क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से इस राउंड को भी हम कम्प्लीट करेंगे। देखिए चोलियां हमारी बढ़ती चली गई, देखिए इस तरह से हमारी चोली का शेप बड़ा होता चला गया। फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा थर्ड राउंड कम्प्लीट हो चुका है। आप देखिए फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर फाइव नंबर के सिक्स नंबर के बनाते हैं तो हम इससे बड़ा राउंड एक और चोली होती है वो बड़ी बना लेते हैं, पर मुझे यहाँ पर फोर नंबर के बनाने हैं तो यहाँ मुझे ये इनफ है। वन टू थ्री की हम यहाँ पर फिर से करेंगे। अब वापस इसी वाले में नहीं डालने के, नेक्स्ट वाले में डालेंगे, क्योंकि पहले हमने दोनों साइड यहाँ फर्स्ट वाले में ही डाला था। अब हम फर्स्ट वाले को स्किप करके सेकंड वाले में डबल क्वेश्चन बनाएंगे। तो हम इसको एक काउंट करते हैं सेकंड उससे को। अब यहाँ पे हमें इंक्रीज नहीं करना, बढ़ाना नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे 18 डबल क्वेश्चन थे, बाद में 35 हो गए, अब यहाँ पर 44 हो गए। तो यहाँ पर हमारे इसके बाद सिर्फ 9 डबल क्वेश्चन हमारे बड़े हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से करते हुए अपनी 6 की, देखिए इधर देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पर हमें अपना 7 का डबल क्वेश्चन बनाना है। 7 डबल क्रोशे बनाते हुए ये चोली का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट चोली का, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमें यहाँ पे स्किप करने हैं। तो उसके बाद यहाँ देखिए फिर से हमें इस तरह से ये आएगी, और अभी हमें 8 के बाद हमें यहाँ पर फिर से अपना डबल क्रोशे बनाना है। सिंपली यहाँ से यहाँ पे ये स्किप कर देने बिच के, और कुछ नहीं बिच के स्किप करने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 13 14, हमने 14 बनाए हैं क्योंकि हमने यहाँ पर इस पीछे यहाँ पर हमने 7 बनाए थे, ठीक है। अब उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने करते हुए, अब देखिए आगे काउंट कर लेते हैं 8 के बाद 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर इसलिए हमें करते हुए यहाँ पे 7 डबल क्रोशे बनाने हैं। देखिए उतने ही मिड में छोड़ने हैं जितने इधर आपने बाजू में छोड़े हैं, बाजू बिल्कुल 1 उधर आ गई 2 3, ये बिल्कुल बाजू सिंपल है, और ये यहाँ पे भी आपकी 2, तो पीछे बैक हो गया, 2 बाजू हो गई, इस तरह से यहाँ पर हमारा तैयार हो गया। अब देखिए हमारे कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर एक क्लास बचा मेरा 7, ठीक है। 7 डबल क्रोशे क्योंकि 7 भी मैंने उधर किए थे, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से वही हम 3 की चेन बना लेंगे, और अब देखिए इस तरह से ये चोली का नीचे का पार्ट कैसे कंप्लीट हो गया। अब हमें इसको राउंड करते हुए इसको राउंड कंप्लीट करना है। सिंपल बिल्कुल जितने नीचे हैं यहाँ पर 28 की जो हमारी कमर बन जाएगी, पूरा जो घेरा बनेगा 28 का बनेगा, वो हमारा यहाँ पर सिंपल बनेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ चोली को बड़ा करते हुए यहाँ पर 2 राउंड दे दिए। कभी हम फ्रेंड्स एक राउंड दे देते पहले, अब देखिए यहाँ पर इससे जो बाजू है उससे नीचे भी मैंने यहाँ पर 2 राउंड दिए। 2 राउंड करने से आपकी चोली लंबी होती है और यहाँ पर कान्हाजी को कमर को आराम से फिट होती है, ठीक है, छोटा बड़ा भी नहीं होता। अब हम देखिए अभी क्या करना है इसमें, यहाँ पर इसको देखिए चोली बन चुकी है, और यहाँ पर इसको लाकर यहाँ पर फर्स्ट स्टे में यहाँ पर जोड़ देना है। सिर्फ और कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इस तरह जुड़ जाती है। अब देखिए जुड़ने के बाद अब हम क्या करना है, स्टार्ट करना है नीचे का सर्कल। सर्कल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ 1 2 और ये 3 की चैन तो हमें बनानी ही बनानी है क्योंकि हमें ये सर्कल स्टार्ट करना है। अब क्या करना है, नीचे वाले राउंड में हम यहाँ पर हर जो चैन है ना, चैन में हम हमेशा यहाँ पे इसमें 2 यहाँ पर 2 हमें डबल क्रोशे बनाने, इस तरह से करते हुए 2 डबल क्रोशे 1 और 2, हर एक चैन में हमें यहाँ पर 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये हमारा जो घेर का फर्स्ट राउंड है, और सेकेंड राउंड में कम करने हैं, पर अभी फिलहाल हमें यहाँ पर हर एक चैन में, तो यहाँ पर 28 थे, 28 के यहाँ पर दुगने हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हर एक करते हुए हमें यहाँ पर पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये जो हमारा घेर है उसका फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है। सिंपल है, सिर्फ डबल क्रोशिये से। फ्रेंड्स अगर आप न्यू बेसिक मतलब बिगिनर्स हैं तो आपको मैं बताऊंगी कि आप प्लेन कलर में भी एक कलर बहुत खूबसूरत ड्रेस बना सकते हैं। आप इसको मोती से डेकोरेट कर सकते हैं,
तो मैं इसको आपको बहुत सुंदर बना के दिखाऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है। यहाँ मैंने वही यहाँ ज्वाइन करके स्लिप स्टिच से, और यहाँ पर हम अपनी थ्री की चेन बनाते हैं। और थ्री की चेन बनाने के बाद फर्स्ट वाले में ही यहाँ पर अपना दो बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं, मतलब वन तो ये थ्री की चेन और सेकंड ये। उसके बाद हम वन और टू को स्किप कर देते हैं, थर्ड वाले में हम अपने यहाँ पर दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ देखिए, जैसे मैंने चोली में किया था कि वन और टू, जैसे यहाँ पर थ्री करा था हमने, यहाँ पर वन और टू को वन वन डबल क्रोशिया बनाएंगे और थर्ड वाले में हम अपना दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह ये राउंड कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स, ये अब जो घेर हमारा है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया है। आप कितने बड़े कान्हा जी के लिए बनाएंगे, तो आपको घेर जो है ये सबसे सिंपल बेस है और इसी तरह से ही आपको बनाना है। जो घेर है वो बहुत डिजाइन के होते हैं, कई तरह के होते हैं, पर ये सबसे बेसिक है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ देखिए डबल क्रोशिया करना है। पहले वाले में राउंड में मैंने दो दो बार डबल क्रोशिया किए हैं, अब सेकंड वाले में दो बार सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया और थर्ड वाले में दो बार डबल क्रोशिया। इस तरह से पूरा राउंड मुझे इसी तरह ही कंप्लीट करना है। कोई भी अगर आपका फ्रेंड्स यहाँ साइड में आके कम ज्यादा हो जाता है कि आपका पता चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। कोई भी यहाँ इजिली आप सुना सकते हैं, किसी में एक कर दीजिए और किसी में दो, थोड़ा 19-20 का फर्क रहेगा, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस तरह से करते हुए दो में सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया और थर्ड वाले में दो बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड अपना कंप्लीट करते हैं। और ये सिंपल बेस है और ये मुझे ऐसे ही बनाना है। इसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अब उसके बाद अगर दो बार हमने यहाँ पे किया, अगली बार हम थर्ड तीन डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल बनाएंगे, और आप फोर भी ले सकते हैं, फोर डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल बनाएंगे और उसके बाद एक बार डबल क्रोशिया दो बार। ठीक है, जैसे ये दो करें ना, अबकी बार चार सिंगल सिंगल क्रोशिया और फिर उसके बाद एक ही में दो बार ट्रिक, उसी से हमारा ये बेस पता चला जाएगा। ठीक है, तो दो या तीन राउंड आप कंप्लीट कीजिए, मैं भी कंप्लीट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा पूरा सर्कल बन चुका है, मुझे इतना ही बड़ा लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे देखिए 1 2 3 4 5 ओनली 5 राउंड हुए हैं। अगर आपको इससे बड़ा बनाना हो तो आप बड़ा भी बना सकते हैं, इससे बड़ा राउंड ले सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने यहाँ पर सिर्फ 5 राउंड बनाए और यहाँ मेरे पास इतना बन चुका है। तो ये 4 नंबर के लिए है, अगर आप 5 नंबर कह रहे हो तो आप यहाँ पर 2 राउंड या 1 राउंड और बढ़ा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया है। अब देखिए, अब हमारे यहाँ पर डिजाइन जो है स्टार्ट होता है। अब हमें क्या करना है, देखिए या तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह से भी आप इसको लगा सकते हैं, और यहाँ पर मैंने जैसे कि ये छोटे सिंपल मोती होते हैं, हम इस ड्रेस पर मोती लगा सकते हैं और इस ड्रेस को डेकोरेट कर सकते हैं। सिंपल मोती लगा दीजिए इस पे सारे राउंड पे, जैसे आपने देखा होगा कि विंटर के जो समर की ड्रेस होती है उसमें भी मोती से यहाँ पर डिजाइन बना होता है, आप सिंपली ये भी कर सकते हैं। नंबर टू क्या है, अब मैं इसे भूल से ही आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, इसके यहाँ 1 2 3 थ्री की चैन लेंगे। थ्री की चैन हम लेना कंपल्सरी है क्योंकि थ्री की चैन से ही हमारा यहाँ पर डिजाइन बनता है। थ्री की चैन हमने ली और यहाँ पर 1 2 3 थ्री की चैन हमने और ली, तो यहाँ पर हमें जो एक है, एक हमारा ये डबल क्रोशिया काउंट होगा और एक हमारी थ्री की चैन काउंट होगी। उसके बाद देखिए यहाँ फर्स्ट वाले में ये हमने बनाया हुआ है, तो 1 2 3 थ्री वाले में जाएंगे और यहाँ पर एक हमें अपना डबल क्रोशिया कर देंगे, वही सिंपली दो का एक, देखिए ये ऐसे जाएगा। फिर देखिए, अब देखिए दोबारा 1 2 3 की चैन, थ्री की चैन के बाद 1 2 3 थ्री स्किप करेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 की चैन और यहाँ 1 2 3 का हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 यहाँ पर देखिए 1 2 3 की चैन और 1 इसके जस्ट बराबर 1 2 3 वाले में हम यहाँ पर डाल लेंगे। 3 वाले में हमें ये क्रोशिया हुक को डालना है, 1 2 3 की चैन और ये 1 2 3 यहाँ पे हमें यहाँ पर डालना है। ये लूप लेते हुए डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। सिंपली ये ऐसे ही कंप्लीट होगा चारों तरफ से। ठीक है, वो आप कंप्लीट कीजिए, मैं भी कंप्लीट। फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा राउंड सर्कल जो है कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पर इसको यहाँ पर लाते हुए स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके मैंने यहाँ पर इसे ज्वाइन कर दिया। अब देखिए, इस धागे को आप कट भी कर सकते हैं, अदरवाइज यही भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, एक चैन बना ली है बस, और कुछ नहीं किया है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि मैं यहाँ पर अपना रेड धागा लगाऊंगी, तो रेड धागा देखिए इस तरह से मैं लगाऊंगी अपने इसी चैन में, मैं यहाँ पर रेड धागा इस तरह से बना लू। ठीक है, और यहाँ पर हम एक और कर लेंगे ताकि ये नॉट पक्की हो जाए, और इस धागे को ऐसे टाइट कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको ये फ्रंट पे था, अब इसे बैक लेनी है। बैक लेते हुए हमें यहाँ पर इस वाले में
जो ये बैक जस्ट इसके बराबर वाले में ही हमें यहां पर अपना 5 बार डबल क्रोशिया करना है। 1, 2, 3, 4 और ये 5। हमें 5 बार अपना डबल क्रोशिया किया। 5 डबल क्रोशिया करने के बाद फ्रेंड्स हमें यहां पर इसी के नीचे, देखिए इसी के नीचे जो हमारी ये 3 है जो डबल क्रोशिया आ रहा है ना, ये जो हमने ये बैक साइड के लिए लिया, बैक से हमने किया, अब इसी के नीचे हमें यहाँ पर एक क्रोशिया को लेते हुए इसको हमें उठाना, नीचे वाले जो डबल क्रोशिया था ना उसको उठाना है। 1, 2, 3 और ये 4। तो यहां पर ऊपर हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया किए थे और नीचे हमने सिर्फ 4 डबल क्रोशिया किए। 4 डबल क्रोशिया करने के बाद हमें यहां पर आना है और अपने जहां पर हमने ज्वाइन किया था धागा वहां पर इसको इस तरह से एक चैन लेते हुए, एक चैन लेंगे पहले और एक चैन लेते हुए ज्वाइन करना है। बस इस तरह से एक चैन लेंगे, एक चैन लेंगे इस तरह से ये आपका डिजाइन आ जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा बताती हूँ आपको। यहाँ पर पहले देखिए 2 की चैन लेनी है। यहाँ तो हमने क्योंकि हमारा ये फर्स्ट जो हमारा फ्लावर है वो कम्प्लीट हो गया, अब यहाँ पर सेकेंड शुरू हो रहा है, तो हमने यहाँ तो 2 की चैन ली है, उसके बाद हमने यहाँ पर इस दरवाले में इसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये व्हाइट धागा पीछे आप छोड़ दीजिए क्योंकि अभी हम इसके फ्लावर बनाएंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हमने यहाँ 2 की चैन ली है, 2 की चैन करने के बाद ये सिंगल क्रोशिया से निकाल दिया। ठीक है, अब इसे वर्क को टर्न करेंगे। वर्क को टर्न करने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से 1 चैन निकालेंगे। 1 चैन के बाद हम इसी में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे अपना 5 टाइम्स। तो यहाँ देखिए 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। हमने अपना 5 टाइम्स यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया। 5 टाइम्स के बाद देखिए इस, ठीक है, अब हमें वर्क को ऐसे टर्न करना है और देखिए नीचे यहाँ पर हमारे पास इसके ये फ्लावर कंप्लीट हो गया था। अब नीचे हमारे कुछ नहीं करना, एक लेना है और नीचे वाले में फिर से अपना डबल क्रोशिया बनाना है 4 टाइम्स। ठीक है, 4 बार हमें फिर से 1, 2, 3 और ये 4 हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया। ठीक है, एक चैन बनाई। अब इजीली देखिए इसको वर्क को टर्न किया। वर्क को टर्न करने के बाद जहां से हमने स्टार्ट किया था ये वाला फ्लावर वहां पर इसको लाकर इसे एक सिंगल क्रोशिया से, सिंगल स्लिप स्टिच बोल दीजिए इसको, इसे हमने ज्वाइन कर दिया। देखिए एक ही दूसरी फ्लावर हमारी ऐसे बनकर आ गई। देखिए इस तरह से ये आती है। अब देखिए दोबारा मैं आपको फिर से बता रही हूँ, यहां से स्टार्ट किया जैसे, तो यहां पर एक पहले चैन बनाएंगे, 2, 3 की चैन बना लीजिए। 3 की चैन बनाए और 3 की चैन, क्योंकि कभी क्या होता है कि टाइट हाथ से हम ढीले हाथ से बनाते हैं, आप थोड़ा कभी टाइट हाथ से बनाते हैं तो आपका फ्लावर सिकुड़ जाता है, तो हम यहाँ पर 3 की चैन बनाएंगे। यहाँ पर जहां पर ये डबल क्रोशिया था 3 का वहां पर ले जाकर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 1, 2 की चैन बनाएंगे। सिर्फ 2 की चैन बनानी है। वर्क को टर्न किया। वर्क को टर्न करने के बाद इसमें यहाँ पर 5 टाइम्स डबल क्रोशिया किया। 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। 5 टाइम डबल क्रोशिया किया। 5 टाइम डबल क्रोशिया करने के बाद इसी के नीचे देखिए ये व्हाइट चैन, ये इसी के नीचे चैन है, उस पर लूप लेंगे, फिर इस पे हमने 4 टाइम्स डबल क्रोशिया किया। इसको ऐसे पकड़ के बस 4 टाइम्स। हाथ को बहुत टाइट नहीं रखना है, बहुत लूज नहीं रखना है, इजिली आप बना लेंगे। 4 टाइम्स करना है बस। 4 टाइम्स करने के बाद 1 चैन लेंगे। 1 चैन करने के बाद यहाँ पर जो इस वाली जो जहां से स्टार्ट किया था वहां पर हम इसे इस तरह से करते हुए ज्वाइन कर देंगे। बस एक सिंगल क्रोशिया। देखिए ये इस तरह से ये यहाँ पर हमारे डिजाइन बन जाते हैं और ये देखिए ये इस तरह से फ्लावर की लुक आ जाती है। आप चाहें तो इसे इतना ही अंदे इस तरह से ये पूरा राउंड, देखिए फ्रेंड्स मैं ये आपको फिर से बता रही हूँ। सिर्फ क्या करना है, पहले सबसे पहले देखिए यहाँ हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ पर हमने पहले डबल क्रोशिया बनाया था और फिर शुरू में ही इसको वर्क को टर्न कर लिया था। ठीक है, वर्क को टर्न करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका डिजाइन नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर 1, 2, 3 की चैन ली और हमने इसके साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद इसके बाद 1, 2 की चैन ली। 2 की चैन के बाद फिर से हमने 5 डबल क्रोशिया बनाया यहाँ पर। 1, 2, 3, 4 और ये 5 डबल क्रोशिया किया। अब देखिए नीचे हमारे पास यहाँ पर एक ये देखिए इस तरह से एक जाली है कि खाली है। ठीक है, और हमें क्या करना है, देखिए इसे यहाँ पर ऐसे ही करते हुए यहाँ पर नीचे वाली जाली को उठाना है और यहाँ पर
फोर टाइम्स, आप जितने टाइम्स ऊपर कर रहे हैं उससे एक कम कीजिएगा तो यहाँ पर फ्लावर का लुक अच्छा आएगा। अगर ज्यादा करेंगे तो थ्री टाइम भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर फोर टाइम्स कर रही हूँ। तो फाइव टाइम्स ऊपर किया, फोर टाइम्स नीचे, फिर यहाँ पर एक चैन बना दी मैंने। यहाँ पर चैन बनाने से क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए इसे, ये जो आपकी पत्ती का लुक है वो थोड़ा लूज यहाँ आता है। अगर हम फोर चैन नहीं बनाएंगे तो ये यहीं पे ज्वाइन हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ एक चैन बना दी और यहाँ पर ले आते हुए इसमें जो मेरी जहां से स्टार्ट हुआ था वर्क वहां पर इसको ज्वाइन कर दे, बस और कुछ नहीं। इस तरह से पूरे आपको ये फ्लावर बनाकर तैयार करने हैं। मैं बनाती हूँ, आप भी बनाइए। देखिए बिल्कुल इजी है, इस तरह से ये आप ये फ्लावर बनाइए और व्हाइट के ऊपर ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और मैं ये पूरा यहाँ तैयार करके आपको दिखाती हूँ, आप भी तैयार कीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये मेरा डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे इस तरह से देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हम मैं पहले सोची थी कि यहाँ पर एक राउंड और बनाऊ व्हाइट कलर का, पर मुझे ये इतना फोर नंबर कान्हा जी के लिए काफी है। तो अब मैंने ये इतना ही स्किप कर दिया है। अभी देखिए यहाँ पर हमें बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर बनाने के लिए सिंपल यहाँ पर एक सिंगल, देखिए इस तरह से मैं दिखाती हूँ आपको, हम इधर से किस इधर साइड से हम स्टार्ट करते हैं, फ्रंट साइड से और यहाँ से लेते हैं और ये से लेते हुए ऐसे हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया चैन से, ठीक है। यहाँ एक चैन और एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, एक चैन एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन और एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से नीचे वाली ऊन को भी इसके साथ करते हुए यहाँ पर हम ऐसे कर कंप्लीट करेंगे, एक चैन और एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन एक सिंगल क्रोशिया। सिर्फ हमें सिंगल क्रोशिया लेना है, यहाँ पर एक चैन और एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, एक चैन एक सिंगल क्रोशिया। आप देखिए हम वर्क के यहाँ पर एक चैन और एक सिंगल क्रोशिया करते हुए वर्क के यहाँ पर ऊपर आ चुके हैं जहां पर गला, ठीक है। यहाँ हमने फ्रंट पे ये ऐसे कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक चैन ना करते हुए यहाँ एक चैन यहाँ पर करेंगे, फर्स्ट में वन चैन और एक सिंगल क्रोशिया। अब हर एक में यहाँ पर अपना सिंगल क्रोशिया देंगे, सिर्फ यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, इस सिंगल क्रोशिया बोलते हैं इसको, ऐसे ही कोई लूप नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, बस इसको यहाँ पर इसको कवर करना है ताकि ये डिजाइन और भी सुंदर लगे। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, जब हम यहाँ पर ये बाउंड्री नहीं बनाते हैं तो ये ड्रेस थोड़ा खाली खाली लगती है, पर इसके हमने जब बाउंड्री बन जाती है तो ये बहुत सुंदर लगता है। तो इस तरह से करते हुए इस राउंड को मैं ऐसे ही कम्प्लीट करूंगी। और फ्रेंड्स यही हमें बाजू पे करना है, सिंपल है बिल्कुल, देखिए इस तरह से ही यही हमें इस तरह से बाजू पे करना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे आ गया फ्रंट पे और ये इसी तरह से हमारा यहाँ इधर आएगा और ये हमारा बाजू पे आ जाएगा और ये हमारा देखिए ड्रेस तैयार हो जाएगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको फ्रेंड्स, ये ड्रेस देखिए बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, पर अभी देखिए थोड़ी सी खाली लग रही है। बिल्कुल देखिए बिल्कुल सिंपल और बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बन गई है। आप देखिए यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, आप चाहें तो उसको ऐसे भी वेयर करा सकते हैं कान्हा जी को। यहाँ ये बाउंड्री बनाने के बाद इसकी जो लोकेशन है बहुत मतलब बहुत अच्छी सुंदर लगती है ये। अब देखिए मेरे पास कुछ इस तरह के पर्स हैं, ये इस तरह से देखिए इस तरह स्टोन आते हैं, ये इस तरह से ये स्टोन है। और देखिए अब मैं ये जो स्टोन है ये यहाँ पे इसकी मिड में यहाँ लगाऊंगी इस तरह से यहाँ पर, और ये देखिए ड्रेस ये और भी अच्छी चमक जाएगी। देखिए इस तरह से मैं निकालती हूँ उसको और ये यहाँ पर इस तरह से, ये मेरे पास ग्लू है, ये फेविस्टिल ग्लू है, और इसे लगाते हुए यहाँ पर इस ड्रेस को और भी सुंदर बनाते हैं। तो हमें यहाँ पर देखिए हर एक इस तरह से ये डिजाइन ये खुल जाएगा और इसे आप यहाँ लगाना, ऐसे ये ग्लू लगाइए। आप चाहें तो आपके पास मोती हो तो मोती भी लगा सकते हैं और मैं ये इस तरह से यहाँ पर इस तरह से भी लगा सकते हैं, ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ लगाती हूँ। बिल्कुल सिंपली पेस्ट हो जाएंगे, वॉशिंग के बाद भी ये नहीं मोती हटते क्योंकि ग्लू बहुत अच्छा है ये, इस तरह से। और ये पूरे में कंप्लीट करती हूँ मैं, ये देखिए बहुत ड्रेस ही सुंदर रंग ले रही है। जब हम डेकोरेशन कर देते हैं तो ये ड्रेस और भी खूबसूरत लगती है इस तरह से। हम ये पूरे में इसको ऐसे ही कंप्लीट करते हैं, इस तरह से लगाइए, आप भी लगाइए, मैं भी लगाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ये स्टोन पेस्ट किए थे और कुछ मेरे पास देखिए इस तरह के स्टोन थे, इस तरह के
इस तरह के स्टोन आते हैं, थोड़े से पान हल्के से, मतलब जो ओवे पान की शेप कह लो, तो ये इस तरह की शेप होती है ये, और ये इस तरह से थे, और यहाँ पर मैंने इस तरह यहाँ पर पेस्ट कर दिया, बहुत थोड़े से पेस्ट किए मैंने। और देखिए इस तरह से ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत सी बन गई है। देखिए इधर देखिए, इस तरह से ये यहाँ पे मैंने इसमें ये लगा दिए हैं, ठीक है, पेस्ट कर दिए हैं। आप इसको चाहे तो इसमें मोती भी लगा सकते हैं, या आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। ये ड्रेस बहुत खूबसूरत बन चुकी है इस तरह से। तो ये हमारे चार नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस बिल्कुल बनकर रेडी है। अब पगड़ी आगे आएगी, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखना। अगर आपको जैसे ये ड्रेस में यहाँ पर मैंने ये एक राउंड लिया है, अगर आप दो राउंड ले लेते हैं तो ये इस तरह से बन जाती है। देखिए ये यहाँ पर मैंने राधा रानी के लिए ड्रेस बनाई हुई है, तो इस तरह से ये यहाँ पर हमने इस तरह से इसमें मोती लगाए हुए हैं, ठीक है ना। इस वाली में मैंने ये मोती लगाए हैं और मैंने यहाँ पर ये स्टोन पेस्ट किए हैं। तो ये इस तरह से है और ये इस तरह से है। अगर आप